नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज के 3 सीजन आए हुए हैं और हर एक सीजन के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कॉम्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। इस सीरीज की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उसे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी
जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास था, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं। जहां उसकी कुर्बानी, उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा, तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती, बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसा यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये पूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीजन आए हुए हैं और हर एक सीजन के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष घाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीजन अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा
हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सजा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनु चंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनु चंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एल एल बी टू, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं,
और हर एक सीजन के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पे उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कॉम्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा। इस सीरीज की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज के अंदर वाकई दम है। अगर हम लोग इस सीरीज के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीजन अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सजा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, चूँकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए, वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है। मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास था, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहाँ पर उस प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहाँ पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है।
इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज़ को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज़ को देखने बैठेंगे तो आप ज़रा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज़ है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज़ लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज़ देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिज़िकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हरासमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उसे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, चूँकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए,
वकुत पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है। मगर अनु के लिए रिश्तों की बाढ़ को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बिड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सके। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एल एल बी टू, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसा यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये पूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष घाटी, गायत्री गौरी,
मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीजन अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्र नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्तां, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।
तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सके। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़की जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, चूँकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए, वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है। मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ते बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास था, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहाँ पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहाँ पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया।
जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाया बढ़ना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवार, पीयूष खाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है,
इन्हीं सब उलझनों में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उसे जो है वो साई क्रेडिस के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था। वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाना थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साई क्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार ज़रूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप ज़रा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एल एल बी टू, तो उन मूवीज के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये पूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज के अंदर बताई गई है, जो देखा जाए
तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष घाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्र नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है उस साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़की जो थी उसे संबंध नहीं बनाना थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बिड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज़ की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज़ के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको
बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज़ को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज़ को देखने बैठेंगे तो आप ज़रा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज़ है उसे इंजॉय कर सकें। ये सीरीज़ लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज़ देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएँ इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, चूँकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है
और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बिड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये पूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवार, पीयूष घाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए।
तो जो सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सजा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ते बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली LLB, जॉली LLB 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था
वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये पूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज के 3 सीजन आए हुए हैं और हर एक सीजन के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पे उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कॉम्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीजन अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उसे जो है उस साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़की जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, चूँकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए, वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है। मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहाँ पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहाँ पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए।
ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसा यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा। इस सीरीज की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सजा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है उस साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट है
के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है। चूंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ते बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बिड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसा यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये पूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे,
तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीजन अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी, उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज़ की कहानी वाकई ही कमाल की है। इस वेब सीरीज़ के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो
तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कॉम्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्र नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है उस साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़की जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, चूँकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए, वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है। मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ते बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहाँ पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है।
बहुत ही दोस्तों ऐसा कम होता है जहाँ पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं। जहाँ उसकी कुर्बानी, उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा, तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है, जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है।
पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है। वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था। वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाना थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अन्नू का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अन्नू को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज़ को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज़ को देखने बैठेंगे तो आप ज़रा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज़ है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज़ लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज़ देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसा यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये पूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी।
बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। इस सीरीज की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवार, पीयूष घाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीजन अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सजा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है उस साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी, उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई ही कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है।
पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार ज़रूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप ज़रा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कॉम्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हरासमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़की जो थी उसे संबंध नहीं बनाने दिए, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर
किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है। जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं। जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है
इसकी जो मैन कहानी है, जो मैन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाना थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, चूँकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए, वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है। मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ते बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहाँ पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहाँ पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा।
अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है उस साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़की जो थी उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी, उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को
इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनु चंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनु चंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अनु से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है।
इस बात का उसे बाद में काफी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था। वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहाँ पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहाँ पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहाँ उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कॉम्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। इस सीरीज की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 8.1 की
और जो गूगल यूजर है वहां पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीजन अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्र नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सजा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइकेट्रिस्ट के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, चूँकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए, वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है। मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ते बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है।
और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये पूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिजनी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष घाटी, गायत्री गोरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हरास की जाती है, या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सज़ा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हरासमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ती बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज़ जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के
दास था जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है। जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है। बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं। जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया कोयंटा और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका क्लाइमेक्स आप गेस नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप लोग इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरा भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, कहां पर आप इसे देख पाएंगे, क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिले और आप लोग भी ये कमाल की जो सीरीज है उसे एंजॉय कर सकें। ये सीरीज लीगल ड्रामा के ऊपर बनाई गई है, मतलब कि आपको इसके अंदर जो है वो कोर्ट का मैटर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रुस्तम जैसी मूवीज देखना अच्छा लगता है या फिर वो मूवी आपको अच्छी लगी है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि जॉली एलएलबी 2, तो उन मूवीज़ के अंदर जो हमें देखने को मिला था वैसे यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग है और ये फूल आपको एंटरटेनमेंट कराने वाला है। चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ के 3 सीज़न आए हुए हैं और हर एक सीज़न के अंदर लगभग 10 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये जो सीरीज़ है वो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत जगह पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसके लीड कास्ट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी और विक्रांत मैसी है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं इस सीरीज़ के अंदर बताई गई है जो देखा जाए तो हमारे रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। इस सीरीज़ की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8.1 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने लाइक दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर वाकई ही दम है। अगर हम लोग इस सीरीज़ के कास्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें कौन कौन से किरदार देखने को मिलेंगे, तो पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया, विक्रांत मैसी, मधुरिमा रॉय, रुचा इनामदार, जैकी श्रॉफ, मिल्टा वशिष्ठ, पंकज सरवाद, पीयूष खाटी, गायत्री गौरी, मुकेश पुतवानी, ऋतुराज सिंह, ऐसे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे किरदार इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। हालांकि दोस्तों इसका 3 सीज़न अवेलेबल है और सभी का रिव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी जो मेन कहानी है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जो है वो समझने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सीरीज़ के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो जो सीरीज़ है क्रिमिनल जस्टिस, तो इस सीरीज़ में आपको अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई दी गई है जो अपने पति द्वारा हैरास की जाती है
या फिर दोस्तों क्या होगा कि जो क्राइम आपने किया ही ना हो और उसकी आपको सजा मिल रही है, तो ऐसा ही आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो उसे जो है टॉर्चर करता है, कई सालों तक वो ये सब झेलती है, पर इस हैरेसमेंट से अब उसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, वो एक साइकेट्रिक से पास भी अपना तनाव का इलाज करा रही होती है। इन्हीं सब उलझन में फंस रहने के बीच में अन्नू से एक भूल हो जाती है। तो भूल ये होती है कि उससे जो है वो साइकेट्रिस्ट के साथ जो है वो अवैध संबंध बनाना पड़ता है, मतलब बना लेती है। इस बात का उसे बाद में काफ़ी अफसोस होता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, वो लड़के जो थे उसे संबंध नहीं बनाने थे, फिर भी हालत इस तरह के थे कि उसे वो संबंध बनाना पड़े। और जो साइक्रेटिस है के संग जो कोई भी भावात्मक जुड़ाव नहीं रखती है, क्योंकि अनु अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि रिश्ता की बागडोर छूटे और घर टूट जाए। वो खुद पर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करने का रास्ता ही चुनती है, मगर अनु के लिए रिश्तों की बागडोर को संभाल के रखना कोई आसान काम तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरह से मार रहा था वो, जैसे कि कोई वो कुत्ते बिल्ली या फिर किसी और जानवर को मार रहा है। एक रोज जब अनु का पति उसे फिर से हैरान करता है तो उसे एक और गलती हो जाती है, वो अपने पति को मार देती है। इस बात का अनु को अफसोस भी होता है और वो भावनाओं में बहकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और यही से शुरू होती है समाज की नज़रों में एक ऐसे क्रिमिनल का कहानी जो कि उसे जस्टिस दिलाने के दास्ता, जो कि वास्तविक में कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक ऐसी महिला है जिसे समाज हमेशा तमाता आया है, जहां पुरुष प्रधान समाज में उसका दर्जा किसी नौकरानी की तरह ही दिया जाता है, बहुत दोस्तों से कम होता है जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, वरना लोग हमेशा घर के अंदर उसे एक नौकरानी के समान ही समझते आते हैं, जहां उसकी कुर्बानी उसके त्याग को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। जब उसने बराबरी के लिए कदम बढ़ाना चाहा तो उसके पैरों में जैसे ही बेड़िया सी बांध दी गई। वो महिला इंसाफ की हकदार है, उसे जीने का हक है, खुली हवा में सांस लेने का हक है। अनुचंद्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील माधव मिश्रा आगे आते हैं। इस रोल को पंकज त्रिपाठी ने बेखूबी निभाया है। अब कैसे मिलता है अनु को न्याय, अनुचंद्रा को इंसाफ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी सचेत हो सके हर घर में पल रही हर बीमारी के बारे में, जो कि प्यार भरे रिश्तों में सिर्फ दरार ही पैदा नहीं करती बल्कि मानवता पर भी गहरी चोट करती है। इस सीरीज की कहानी वाकई कमाल की है। इस वेब सीरीज के सभी कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की हुई है। वकील के रोल में पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयंका और आशीष विद्यार्थी का काम सराहनीय होता है। पंकज त्रिपाठी के किरदार में माधव मिश्रा की पत्नी का रोल यहाँ पर शानदार तरीके से निभाया गया है। एक बेहद ही कमाल की सीरीज दोस्तों बनाई गई है। आपको जब भी टाइम मिले तो इस कमाल की सीरीज को आप लोग एक बार तो जरूर देखिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी और आप सभी को ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो जब भी टाइम मिले इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं।